हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत है आज आपका मेरे इस ब्लॉग में। हमारी फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप है हाई राइडर की, दिल्ली से पुष्कर। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है, आप भी आनंद लीजिए इस एक्सप्रेस वे का। फाइनली जैसे ही टोल पास हुआ देन मुझे मिला ड्राइव करने का मौका और मैंने आनंद लिया फर्स्ट टाइम हाई राइडर चलाने का। बहुत अच्छा लगा गाड़ी ड्राइव करके। हम लोग रुक गए थे कुछ खाने के लिए क्योंकि सबको लग गई थी भूख। तो ये रेस्टोरेंट पड़ता है दिल्ली टू जोधपुर जाने के रास्ते में, होटल झनकार नाम से है। इस होटल में राजस्थानी कल्चर को एक्सप्रेस किया गया है तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। देन सब लोग बैठ चुके थे अंदर खाना खाने के लिए और खाना बहुत बढ़िया था, प्योर वेजिटेरियन है, बहुत अच्छा लगा। तो देन सब जब हम लोगों ने खा लिया था उसके बाद हम निकल पड़े अपनी जर्नी की ओर। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे कि हिंदुओं की तीर्थ नगरी भी है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि पूरे विश्व भर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर सिर्फ पुष्कर में ही है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया पुष्कर मार्केट जो बहुत ही बढ़िया है। की मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छी है, तो आप यहाँ जब भी आए तो फुर्सत से आइए ताकि आप यहाँ की मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे शाम कीर्तन और आरती हो रही थी। हम थोड़ा रेस्ट करके फिर इवनिंग टाइम पे यहाँ पे पुष्कर में आरती होती है फिर वो देखने आए थे, तो बहुत ही बढ़िया नजारा था यहाँ पे का। कंप्लीट होने के बाद निकल गए थे इंटरव्यू की तरफ, फिर हमने थोड़ा पुष्कर मार्केट एक्सप्लोर किया, देन वापस से हम रेस्ट करने चले गए थे। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय।